आज हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को देखेंगे और उसमें से जिन दो को सिलेक्ट किया हुआ है, एक बबल सॉर्ट और एक मर्ज सॉर्ट है। आप लोगों ने इसको पहले भी देखा हुआ है, आप लोगों ने अपने अंडर ग्रेजुएट्स के अंदर, तो इसको देखते हैं। बबल सॉर्ट है, इसको बेसिकली हम एक्सचेंज सॉर्ट का नाम भी देते हैं। एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और इसमें हम क्या काम करते हैं, बेसिकली हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। हम हमारे पास सपोज जो डाटा पड़ा हुआ है और उसका सपोज अरे की फॉर्म में है, तो हम उसको जो है दो नंबर्स को, जो फर्स्ट वन है जिसको हम पहले बबल कह देते हैं, स्टार्टिंग से लेकर उनको कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम जो है वो उनको स्वैप करते जाते हैं। अगर उनको ऑर्डर हमें लगे कि वो सही ऑर्डर में नहीं है, तो हम आगे एग्जांपल देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि बेसिकली हम किस तरह से काम ये करते हैं। हाँ जी, काम किस तरह से करते हैं बबल सॉर्ट। जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है, हम उसको बबल एलिमेंट कह देते हैं, और उस बबल एलिमेंट का हम उससे वेरी नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, और अगर वो ग्रेटर होता है तो फिर हम जो है अब आके रियल टाइम एग्जांपल में देखेंगे कि हम देखते हैं कि अब एलिमेंट ग्रेटर है स्मॉलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में स्वैप कर देते हैं। तब एक एलिमेंट को स्वैप कर दिए जो उससे नेक्स्ट वन है, फिर वो बबल बन जाता है और उससे नेक्स्ट वन के साथ कंपेरिजन करते चले जाते हैं। और जब हमारे पास एक पास कंप्लीट होता है, एट द एंड हमारे पास सबसे ग्रेटर नंबर आ चुका होता है। और जितने आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, सपोज एन एलिमेंट्स हैं, तो एन माइनस वन आपने पासिस आप परफॉर्म करते हैं मोस्ट ऑफ द सिनेरियो के अंदर। हाँ, कभी आपके पास कोई इस तरह का डाटा आ जाए कि वो कुछ वो सॉर्टेड था पहले ही, तो वहाँ कुछ कंडीशन चेंज भी हो सकती है। सपोज जैसे हमारे पास ये एक डाटा गिवन है, तो हम बेसिकली उसको इस शेप में लेके आएंगे एट द एंड, जब हमारे पास जो है वर्क कंप्लीट होगा। चलें जी, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब इस पे हम बबल सॉर्ट को परफॉर्म करने लगे हैं। आपके पास सिक्स एलिमेंट्स हैं, 77, 42, 35, 12, 101 एंड 5 है। फर्स्ट टू का हम कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट टू का देखें, जो ग्रेटर था फर्स्ट वन स्मॉलर, जिसको हमने देखें 77 और 42 है, हमने 77 को बबल बनाया हुआ है। हम ये चेक करेंगे कि जो ग्रेटर वन है, जो स्मॉलर वन है, उसको स्टार्ट पर लेके आएंगे, ग्रेटर वन को हम स्वैप कर देंगे। तो हमने जो है उनको स्वैप किया, नेक्स्ट वन आप लोग आ जाए, आपके पास 35 और 75 है, तो इनकी स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आप लोग देखें आपके पास 12 और 77 है, और इस तरह से आप लोगों को यहाँ जब स्नैप आप पहुंचे हैं, तो 101 जो पहले ही ग्रेटर था 77 से, तो हमने स्वैपिंग परफॉर्म नहीं की, और यहाँ अगेन आपकी स्वैपिंग हुई है और जो आपका 101 जो है वो आपका एट द एंड पे आ गया। अच्छा, ये यहाँ से आप लोग बेहतर समझेंगे। यहाँ देखें आप लोग, ये इस एग्जांपल को समझें। आपके पास टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, आप लोग 7 पास परफॉर्म करेंगे, और हम यहाँ देखते हैं इंडेक्स वाइज समझते हैं कि काम कैसे हो रहा है। हमारे पास 98 स्टार्ट पे है और 42 एंड पे है। अब देखें क्या काम होगा। सबसे पहले हमने 98 को बबल असाइन कर दिया, 23 और 98 का कंपैरिजन करेंगे, 98 ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे। ओके, इसके बाद हम 90 और 45 को देख रहे हैं, तो हम क्या स्वैप होना चाहिए, इसको हम स्वैप कर देंगे। 98 और 14 को देखेंगे, स्वैप होना चाहिए क्योंकि साइज ग्रेटर है, स्वैप कर देंगे। अब आपके पास जो है इसी तरह से जो नेक्स्ट वन है 98 और 6 है, स्वैप होना चाहिए, हम उसको स्वैप कर देंगे। और अब आपके पास जो है 98 और 67 है, स्वैपिंग होनी चाहिए, हो जाएगी। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि आपके पास जो है लास्ट वन पे सबसे ग्रेटर एलिमेंट आपके पास आ जाएगा इस सिनेरियो के अंदर। अब इससे नेक्स्ट हम अगेन स्टार्ट करेंगे और हम जो 7 इंडेक्स तक आपके पास आएंगे। ऊपर आप लोग अगर देखेंगे तो वो आपको इंडेक्स नंबर 20 आसपास बताई जा रहा है कि किस इंडेक्स पे हैं, क्या काम करेंगे, कितने पास आप परफॉर्म करेंगे। इसमें देखें आप लोग क्या इसमें स्वैपिंग होगी कि नहीं, साथ लिखा हुआ है 23 और 45। 23 जो है वो स्मॉलर है, पहले सही प्लेस पे है, 45 ग्रेटर है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें 45 ग्रेटर है, 14 लेस है, तो आप इसकी स्वैपिंग कर देंगे। ये आपने स्वैपिंग की, 45 और 6 है, स्वैपिंग होगी। इसी तरह से आपका 45 और 67 है, क्या स्वैपिंग होनी चाहिए, इसमें स्वैपिंग नहीं आपकी होगी। इसी तरह 67 और 33 है, तो
तो 67 जो ग्रेटर है, 33 स्मॉलर है, उसको आप स्टार्ट में ले आएंगे, तो ये आपकी इस तरह से आपकी स्वैपिंग होगी। अब अगेन यहाँ पे आपका स्वैप होगा, और ये आपके पास जो है दो पासिस के बाद आपके पास आप एंड में पहुंच गए हैं, जहां आपने दो एलिमेंट्स आपने शॉर्ट फॉर्म में आ चुके हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट वन पे आप लोग देखें। अब हम फिर अगेन फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, 23 ग्रेटर है, 14 लेस है, आपका स्वैपिंग आपकी होगी, स्वैपिंग आपने की है। इसी तरह से आप आगे देखें, यहाँ भी स्वैपिंग अक्कर होगी, और इस नए के अंदर आप लोग देखें यहाँ पहले ही सॉर्टेड फार्म के अंदर है मिनी एक 45, जो वो पहले ही जो है आपके पास जो है वो ग्रेटर है, वो सही पोजिशन के ऊपर है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। इस नए के अंदर भी स्वैपिंग होगी, और आप एट द एंड आपके पास जो है 3 एलिमेंट्स आपके पास फार्म में आ गए। और अगर आप देखेंगे तो 42 भी ऑलरेडी उसी फार्म के अंदर है, 23 भी आपको ऑलमोस्ट लग रहा है उसी फार्म के अंदर है, लेकिन फिर भी हमने एट द स्टार्ट से ही हमने वो काम स्टार्ट करना है। यहाँ स्वैपिंग आपकी होगी, यहाँ अगर आप वो देखें 44 और 23 कोई स्वैपिंग नहीं होगी, और 23 और 33 में आप लोग देखें तो यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगेन फिर हम देखेंगे, लेकिन स्वैपिंग आप तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने तमाम एलिमेंट्स एक दफ़ा ट्रवर्स करना होता है, विजिट करना होता है, वो मेक श्योर करने के लिए कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके सॉर्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये बेसिकली हम जो काम कर रहे होते हैं ये हम बबल सॉर्ट के अंदर करते हैं, कि आपने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का आप लोग कंपेरिजन परफॉर्म करते चले जाते हैं, और कंपेरिजन के केस के अंदर अगर आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्मॉलर है, सेकेंड आपके पास जो नेक्स्ट वन ग्रेटर है, तो आप जो है फिर कंपेरिजन नहीं परफॉर्म, फिर जो है आप स्वैपिंग नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट वन ग्रेटर है, सेकंड वन स्मॉलर है, तो फिर आप लोग जो है वो कंपैरिजन कर देते हैं बबल के साथ। इसके कुछ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास जो एन स्केयर होती है, और इसको जो इसके एडवांटेजेस हैं इजीली अंडरस्टैंडेबल है, और जो इसका कोड लिखा जाता है आप किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, सी, सी प्लस प्लस, आप जावा जिसमें भी आप काम करते हो तो आप इजीली लिख सकते हैं। और इसमें जो आपके पास हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे कुछ सिनेरियोज ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी हैं कि हमें एक अलग फर्दर स्पेस, रैम इतनी सफिशेंट नहीं होती, आपको हार्ड डिस्क में स्पेस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो इसको कोई ख़ास वैसे यूज़ नहीं किया जाता, हमने कभी इसका काम सुना नहीं है, इसको मोस्टली जो है वो एकेडमिक पर्पज़ में आप लोग जो है वो पढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत कम है। और वो कहता है जी कि इसमें हमेशा जो है आपके पास N2 ऑर्डर ऑफ स्टेप्स आएंगे, जो मैंने बताया कि जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। अगर आपके पास कोई लंबी लिस्ट भी आ जाए, वो कहता है कि मेरे डाटा बहुत ज़्यादा हो, तो उस सिनेरियो के अंदर भी आप इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन क्योंकि इसको टीच किया जाता है समझाने के लिए, तो वो एकेडमिक पर्पज़ के लिए, तो फिर हम इसको हम देखते हैं। तो बबल सॉर्ट का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछें। नो सर, क्वेश्चन नहीं। ओके, फाइन। अच्छा, अब हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट के हवाले से। मर्ज सॉर्ट में हम करते इस तरह से हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते चले जाते हैं, उसको हाफ में डिवाइड करते चले जाते हैं, कि अनलेस कि हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट या सब एलिमेंट तक ना पहुंच जाए, वहां हम पहुंच जाते हैं जब ब्रेक डाउन करते करते, फिर हम उसको अगेन के करते हैं, मर्ज अप करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी आपका काम सॉर्टिंग का ही है, कि आपने जी डिपेंड्स कि आप किस तरह की सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग आप सॉर्टिंग इसमें परफॉर्म करते हैं। डिवाइड एंड कंकर इसको इसलिए कहा जाता है, ये आप लोगों को पता है इसका, यानी कि ये बड़ी फेमस कोर्ट है का, आप लोग जो है वो चीज़ को पहले उनको आप उसमें डिवाइड कर देते हैं, उनको वीकर बना देते हैं, फिर आप लोग उस पर जो है वो ईजिली आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इस पर काफ़ी स्टोरीज भी हैं, आप लोगों को सबको आइडिया होगा। अच्छा, इसमें आप लोग करते जो हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों ने इनको दो दो हाफ में डिवाइड करना, सपोज 8 एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग 4 एक साइड पे, 4 एक साइड पे, नेक्स्ट हाफ में जाकर 2 2 हो जाएंगे, और एट द एंड आपके पास 1 एंड 1 आ जाएंगे, फिर आप लोग इनका कंपेरिजन परफॉर्म करेंगे कि क्या वो स्मॉलर हैं क्या ग्रेटर, और किस तरह से आपने स्वैपिंग करनी है।
अगर आपके पास ऑड नंबर्स के अंदर है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस मर्जी हाफ को पहले 4 ले लें, 3 ले लें, 7 है तो जैसे भी आप कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड आपका जो सोल्यूशन है वो यही है कि हमने सॉर्टेड फॉर्म में लेके आना। ये आपके पास कुछ डाटा गिवन है 98, 23, 45, 14, 67, 33 एंड 42। ये बेसिकली इसको हम करना चाह रहे हैं, ये देखें कि हमने इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दिया और इसको फर्दर हमने 2 हाफ में डिवाइड किया, उसको फर्दर हमने अनलेस के हम इंडिविजुअल एलिमेंट तक पहुंच गए। अब इसने 7 इमर्जेंट परफॉर्म किया। वैसे रियल टाइम सिनेरियो के अंदर होता है इस तरह से है कि वो सारे का सारा पहले मर्ज अप करते हैं, सारा हो जाता है, एट द एंड फिर मर्जिंग को स्टार्ट करते हैं जिनकी स्वैपिंग करना, लेकिन बहरहाल ऐसे भी किया जा सकता है। तो उसने देखा जो 98 और 23 को आप उसमें स्वैप करके, 98 जो है वो ग्रेटर है, 23 जो है वो लेसर है, उसने 23 और 98 की पोजीशन जो बनती थी वहां उसको कर दिया। इसी तरह से आपने 45 और 14 को हाफ किया, इसमें आप देखें 45 जो है वो ग्रेटर है तो वो डेफिनेटली 14 पहले आ जाएगा, तो आपने काम कर दिया। आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे नेक्स्ट वन को, आप लोग चलें उसने साथ ही जो है पहले इसको ऑर्डर में कर दिया, अब उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ जी, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं और फिर इसको एट द एंड अब हम कंपैरिजन करेंगे कि किसका किसके साथ जो है वो क्या क्या पोजीशंस आ रही हैं, तो उसके मुताबिक हमने उसको एडजस्ट कर दिया। अब हमने जब हमारे पास ये डाटा आ गया सारे का सारा, तो अब हमने इसको बेसिकली करना ये है कि अब हम इसमें देखेंगे जैसे हम पहले काम कर रहे थे स्वैपिंग करने के लिए, अब हम 2 हाफ्स की आपस में वो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स इंडेक्स को लेकर देखते हैं। आपके पास ये 6, इस तरह से आपके पास ये 14 और एट द एंड आपके पास जो है वो एक सॉर्टेड फॉर्म में कंप्लीट आपके पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, वो जो डाटा को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है। किसी भी साइज के डाटा को फाइल को आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने जब इसमें मर्ज सॉर्ट अप्लाई की है तो जो सपोज आपकी जो रैम है वो सफिशेंट नहीं थी, तब आपको हार्ड डिस्क को भी यूज़ करना पड़ जाता है, एक्स्ट्रा स्पेस को लेना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से अगर आप लोगों ने इसको मोस्टली वैसे यूज़ किया जाता था जो पहले सिनेरियोस की बात करें तो जो टेप स्टोरेज के अंदर उसको आपने सिक्वेंशियल एक्सेस करना हो और वो टेप रीडिंग के लिए जब वो पहले यूज़ होती थी अब तो यूज़ ही नहीं होती, तो उस पर्पस के लिए इसको जो है इसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन जो प्रैक्टिकल अप्रोच था कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है तो वहाँ ही होता था। और अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ कि इस वक्त करंटली क्या इसकी यूजेज है कि नहीं है, जितने भी ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग ई कॉमर्स के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो सारी की सारी इसी बेस के ऊपर है कि आप लोग स्पेसिफिकली एक कैटेगरी पे जाके एक निच पे जाते हैं और फर्दर आपने सपोज जो भी आपका वो फिल्टरिंग जैसे अप्लाई करते हैं जिस भी कैटेगरी के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जो आपकी सर्चिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो सॉर्टिंग की हैं, वो सारे की सारी जो है ई कॉमर्स के अंदर मर्ज सॉर्ट के थ्रू अप्लाई की जाती हैं। और भी सॉर्टिंग हैं जो कि ई कॉमर्स के इंप्लीमेंट की जाती हैं, लेकिन जो अभी हमने 2 देखी हैं उनमें से जो है आपके पास जो प्रैक्टिकेबल है इसको यूज़ किया जाता है मर्ज सॉर्ट है और इसको हम यूज़ करते हैं ई कॉमर्स के एप्लीकेशन के अंदर। क्वेश्चन है आप लोगों का पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछें। हाँ सर, जब लास्ट पे हमने मर्ज किया है तो वो पहले दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बिल्कुल लास्ट पे जब हमने सॉर्ट करके मर्ज इंडेक्सेस। ओके मेरा ख्याल यहाँ से पूछना चाह रहे हैं आप कि यहाँ तक तो हमने काम कर जी लिया, इससे भी ऊपर सर, यहाँ इधर से सर, इधर से जब ओके हमने ठीक इनको सॉर्ट है। किया ऐसे। अब जी ये आपके पास जो हाफ बना ना, अब ये जो फर्स्ट हाफ था 14, 23, 45 और 98, ये आपके पास जो है पहले से ही एक सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है क्योंकि आपने हर हाफ को सॉर्टेड फॉर्म में कर लिया हुआ। इसी तरह से अगर आप इस हाफ को देखें तो ये भी आपके पास जो है वो पहले से सॉर्टेड फॉर्म में है। अब आप करते किस तरह से हैं, इससे आगे आपने किया क्या है कि ये जो आपके पास क्योंकि 2 हाफ थे, दोनों हाफ जो है वो आपके पास पहले सॉर्टेड फॉर्म में अवेलेबल थे। अब आपने जो उनके फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स का आपस में कंपैरिजन किया 6 और 14 का, अब आपके पास क्या बना, जो 6 है वो स्मॉलर था, 14 ग्रेटर था,
तो आपके पास सिक्स एंड ये देखें 14, अब सेकंड पे आप आ गए 23 एंड 33, ये दोनों आपके पास पहले जो है 23 सही पोजिशन पे है, 33 जो है वो भी ठीक है, तो वो आपने एज इट इज इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इंसर्ट करने को हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आपके पास वो पहले से ऑलरेडी उसी पोजीशंस के ऊपर था, तो आपने उसे नेक्स्ट वन एलिमेंट को जैसे हमने पीछे कहते हैं बबल बनाया, तो आपने उसका उसके साथ कंपैरिजन परफॉर्म किया 45 को 33 का, 33 आपके पास स्मॉलर था वो आ जाएगा, और 45 इस तरह से 42 के साथ कंपेरिजन, और फिर आपका जो है 45 और 67 का कंपेरिजन, तो एट द एंड आपके पास जो है 98। ओके सर, थैंक यू, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी आप पूछना भी क्वेश्चन है आप लोगों का, सर ऑड नंबर के लिए ये ब्रेकडाउन कैसे होगा स्टार्ट से? ऑड नंबर के लिए मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपके पास 7 नंबर्स आ जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने दो हाफ में डिवाइड करना है, एक तरफ 4 कर लें, एक तरफ 3 कर लें, इस तरह मर्जी कर लें, वो कोई फर्क उससे कोई, एट द एंड आपके पास जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में डाटा आना, 9 आ जाए, आप 4 एंड 5 कर लें या 5 एंड 4 कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछें।